आज मैं आपको IUI के बारे में जानकारी दूं। जब किसी निसंतान दंपति के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो उनको अगर डॉक्टर IUI सजेस्ट करते हैं तो IUI क्या होता है, उसमें हम क्या क्या करते हैं और IUI का सक्सेस रेट क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। IUI हम किन कपल्स का कर सकते हैं, अगर कपल की एज कम है, उनकी शादी को बहुत ही कम टाइम हुआ है अभी, और स्त्री जो है उनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, उनका अंडा टाइम से बन रहा है, टाइम से फूट रहा है, गर्भ नलियाँ यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल हैं, बच्चेदानी की परत अच्छी है और बच्चेदानी स्वस्थ है, और जो पुरुष हैं उनके शुक्राणु कम से कम 10 से 15 मिलियन हैं, तो ऐसे कपल्स में हम IUI कर सकते हैं। हम IUI में क्या करते हैं, उसमें हम स्त्री को महावारी के दूसरे या तीसरे दिन से अंडे बनने की दवाई या इंजेक्शन देते हैं और अंडों को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के द्वारा मॉनिटर करते हैं। जब अंडा एक निश्चित साइज तक पहुंच जाता है तब हम उसे अंडा फूटने का इंजेक्शन देते हैं और उसी दिन हम पुरुष का वीर्य लेकर उसमें से स्वस्थ शुक्राणु निकाल कर उनको एक ट्यूब के द्वारा स्त्री की बच्चेदानी में छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर शुक्राणु और अंडे का मिलन अपने आप होता है ट्यूब में और वो भ्रूण बनकर बच्चेदानी में पाँचवें दिन चिपकता है। फिर हम इसको IUI के 15 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। अब IUI के सक्सेस रेट की बात करें तो IUI का सक्सेस रेट अच्छे से अच्छे सेंटर में 10 से 15% है, यानी कि अगर एक महीने में 100 महिलाएँ IUI कराती हैं तो 10 से 15% महिलाओं का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा।